हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 3 बाइकों के बारे में, जो आपको 2 लाख के अंदर के प्राइस रेंज पर लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों ही बाइकों के लॉन्च होने का इंतजार इंडियन मार्केट में काफी लंबे टाइम से और काफी बेसब्री से करा जा रहा है। और इन बाइकों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये बाइकें लॉन्च हो जाएगी तो इस सेगमेंट में आने वाली काफी बाइकों की सेल्स को इजिली डाउन कर देगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइकें कौन से महीने में होगी लॉन्च, क्या रखा जाएगा इन बाइकों का प्राइस, कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इन सभी बाइकों में, और सबसे मेन बात दोस्तों, ये सभी बाइकें आपको कितना माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी भी न्यू बाइक को परचेज करने वाले हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा है यामाहा MT-15 2.0 को, क्योंकि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार काफी बेसब्री से करा जा रहा है और काफी सारे लोग हैं जो दोस्तों रुके हुए हैं इस बाइक को लेने के लिए। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जब ये बाइक लॉन्च हो जाएगी अपने 2.0 वर्जन में तो इस सेगमेंट में आने वाली काफी बाइकों की सेल्स को इजिली डाउन कर देगी, जो कि पहले ही कर रही है। तो बात करें MT-15 2.0 की, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इस बाइक को लॉन्च होने में ज्यादा टाइम बचा है। ये बाइक आपको आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में, तो आपको पता है कि यामाहा R15 V4 की तरह इस बाइक में भी आपको सभी एडवांस फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के इंजन के बारे में। इंजन दोस्तों आपको बाइक में सेम देखने को मिलेगा जो फिलहाल में R15 V4 में यूज करा गया है। और जैसे कि R15 V4 की पावर में ड्रॉप आया था, आपको MT-15 2.0 की पावर में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। हालांकि उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काफी माइनर सा ड्रॉप आने वाला है। बाकी बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो R15 V4 की तरह आपको MT-15 2.0 में राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे। बाइक में दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल होगा और बाइक का जो कंसोल है वो आपको नया देखने को मिलने वाला है। और 50-50 चांसेस है कि आपको MT-15 में डुअल चैनल ABS मिले, क्योंकि पहले से ही बाइक का प्राइस काफी ज्यादा है एक 150cc कैटेगरी में होने के बावजूद। तो अगर यामाहा इस बाइक में डुअल चैनल ABS डालती है तो बाइक के प्राइस में दोस्तों काफी ज्यादा हाइक आएगा, जिससे इस बाइक की सेल्स में थोड़ा सा ड्रॉप आ सकता है। और बात करें दोस्तों बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो इसके फ्रंट पार्ट में गोल्डन USD फोक्स का यूज किया जाएगा और इसके रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेगा। और अभी तक का सबसे मेन पॉइंट कि MT-15 2.0 का क्या डिजाइन होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो MT-15 2.0 होने वाली है उसका डिजाइन 20-30% चेंज करा जाएगा। बाइक में आपको नए कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बाइक में नए आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और जो बाइक का फ्रंट पार्ट है उसको थोड़ा बहुत चेंज करा जाएगा। और बात रही दोस्तों बाइक के लॉन्च की, तो ये बाइक आपको 3-4 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। और लॉन्च होने पर इस बाइक के प्राइस में 5-10 हज़ार का डिफरेंस आ सकता है पुरानी वाली MT-15 से। तो दोस्तों बात करें अगली बाइक के बारे में, तो ये बाइक आपको जनवरी के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है और इस बाइक की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि HD रोड किंग आपको दोस्तों 13 जनवरी को लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं बाइक के इंजन के बारे में और बाइक के फीचर्स के बारे में। बाइक में 293cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOSC इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 26.51 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 27.05 Nm का। इस पावर के साथ जावा की HD रोड किंग 140 से 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो आपको इस बाइक में 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों ही वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको जावा 42 में देखने को मिलते हैं। और कंसोल बाइक का एनालॉग प्लस डिजिटल होगा, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। बाकी दोस्तों क्योंकि ये बाइक एक रेट्रो सेगमेंट की बाइक है, तो आपको इस बाइक में कोई भी एडवांस फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोक का यूज किया जाएगा और इसके रियर पार्ट में आपको ट्विन शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों काफी बेटर रहेंगे अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड के लिए या फिर थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग के लिए यूज करते हो। और बाइक के डिजाइन की तरफ देखा जाए, तो ये बाइक पूरी तरह से बेस्ड होगी स्क्रैम्बलर बाइक पे, जिसमें आपको एक अपराइट राइडिंग पोस्चर मिल जाएगा और इसमें आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट भी मिल जाएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों जावा जानी जाती है इंडियन ऑटो मार्केट में। और बाइक में लाइटनिंग पूरी तरह से हैलोजन बल्ब वाली होगी बाइक के हर पार्ट में। और बात करें बाइक के टायर की, तो आपको इसके फ्रंट पार्ट में 90x90mm का टायर मिलेगा और इसके रियर पार्ट में 120x80mm का टायर मिल जाएगा। टायर दोस्तों बाइक में ट्यूब वाले होंगे और इसमें स्पोक व्हील्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। और दोस्तों आपको ये बाइक 35-40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी जो बाइक के डायमेंशन एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी है उसको अभी तक रिवील नहीं करा गया है। तो चलते हैं दोस्तों
सीधा बाइक के लॉन्च की तरफ और इस बाइक को किस प्राइस रेंज पर इंडियन मार्केट में लॉन्च करा जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बाइक आपको 13th जनवरी को लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है और लॉन्च होने पर इस बाइक का दोस्तों प्राइस रखा जाएगा 160,000 से 170,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर। तो चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर की बाइक के बारे में, जो कि दोस्तों मोस्ट अवेटेड बाइक है इंडियन मार्केट की। और इस बाइक की टेस्ट राइडिंग स्टार्ट कर दी गई थी 2021 के एंड में और ये बाइक आपको दोस्तों 2022 के मिड तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फाइनली बात करते हैं कावासाकी W175 के बारे में। इस बाइक में 177cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13 BHP की 7500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.2 न्यूटन मीटर का 6500 RPM पर। इस पावर के साथ दोस्तों ये बाइक 115 से 120 किलोमीटर पर आ तक की टॉप स्पीड तक जा सकती है। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो आपको बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए, और कंसोल इसमें फुल्ली एनालॉग होगा ओल्ड स्टाइल वाला, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पार्ट में डुअल एडजस्टेबल शॉक अब्सॉर्बर रहेंगे, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा बेटर रहने वाले हैं अगर आप इस बाइक को थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग के लिए भी यूज करते हो। बाकी दोस्तों इंडोनेशियन मार्केट में इस बाइक के 2-3 मॉडल अवेलेबल है, लेकिन जब ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करी जाएगी तो इस बाइक का सिर्फ एक ही मॉडल लॉन्च करा जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों कावासाकी W175 का SC वाला मॉडल लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में। तो बात करें बाइक के लाइटनिंग के बारे में, तो इसके फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब का यूज किया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको बाइक के सभी पार्ट में LED लाइट का काम देखने को मिलेगा कावासाकी की तरफ से। और कावासाकी W175 के टायर साइज की बात करें, तो इसके फ्रंट पार्ट का टायर होगा 80x100mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 100x90mm का। टायर इसमें ज्यादा वाइड नहीं होंगे, लेकिन मोर देन इनफ होंगे इंडियन रोड्स के लिए। और बाइक के डायमेंशन में इस बाइक का दोस्तों कवेट होगा 126 kg का। बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट और काफी ज्यादा निम्बल होगी सिटी राइडिंग के लिए। 165mm के आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और इसकी सीट हाइट होगी 780mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको दोस्तों बाइक में 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में, और हाईवे राइडिंग पर आपको ये बाइक 45 प्लस का माइलेज भी दे सकती है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं कावासाकी W175 के लॉन्च के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों ये बाइक आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 160,000 से 180,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस ऑटो लगाकर 170,000 से 190,000 के प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 3 बाइकों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन तीनों ही बाइकों में से आप कौन सी बाइक का वेट कर रहे हो और आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।